हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोबीकेयर सॉल्यूशंस हैदराबाद टीम। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग का एक हैंडसेट है, A127 A12 हैंडसेट जिसे कहते हैं, और ये आज डेड कंडीशन में आया है। और इसमें जो सीपीयू लगा है ज़ेनॉक्स कंपनी का सीपीयू। इसमें दो वर्जन आते हैं, 125 MT के होता है और 127 जो होता है ज़ेनॉक्स। और प्रॉब्लम ये है, ये लीकेज कंडीशन में है। अभी डीसी से भी बताऊंगा मैं आपको, और यहाँ पर चार्जर एम्पियर मीटर में भी बताऊंगा। तो ज़रा नज़दीक आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर चार्जर एम्पियर मीटर में मैं यहाँ पे बैटरी लगाया हूँ। और बैटरी लगाकर जैसे मैं चार्जर लगाऊंगा, यहाँ पर पूरा का पूरा 1.6 mA यानी पूरा कंज्यूम कर रहा है, ऑन जैसा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, बट डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे मैं बैटरी रिमूव करूँगा, और बैटरी रिमूव करके फिर से मैं चार्जर लगा रहा हूँ। आप अच्छे से यहाँ पे देखिए, थोड़ा नज़दीक। तो फिर से मैं यहाँ पर चार्जर लगा रहा हूँ विदाउट बैटरी, बैटरी निकली हुई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी भी लास्ट वाला जो 6 नंबर का है वहाँ पे 1.6 mA कंज्यूम कर रहा है, जैसे बैटरी लगी होती है ऑन मोबाइल जैसा। तो ये फेक है, इसमें शॉर्टिंग जब होती है तो मोबाइल के अंदर जब लीकेज होता है या शॉर्टिंग होती है, उस कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम बनती है। और ये DC to DC के पास भी हो सकता है, या पावर AC में भी शॉर्टिंग हो सकती है, या LDO लाइन में भी शॉर्टिंग होगी, या CPU भी शॉर्ट होगा। तो इस तरह का रीडिंग यहाँ पर ये 6 चार्जिंग स्कीमेटिक पोर्ट में ये इस तरह का रीडिंग लेगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार DC से भी आपको बताना चाहूँगा मैं, DC में क्या वैल्यू ले रहा है ये भी चेक कर लेते हैं, क्या कुछ ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है क्या। यानी इस वीडियो में हम लीकेज वाले कंडीशन को रिमूव करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे DC से भी एक बार कनेक्ट करके बता देता हूँ मैं, देख सकते हैं DC में जैसे ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज तो कुछ नहीं ले रहा है, ऑटो एम्पियर 2 एम्पियर के आसपास कंज्यूम कर रहा है, और हीट भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए मैं पावर पे हाथ रखा हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ये देख सकते हैं। जैसे मैंने हटा दिया है और इसको मैं वापस से लगा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर उतना ज़्यादा कहीं पर हीटिंग महसूस, थोड़ा हल्का हल्का सा हीटिंग महसूस हो रहा है, बट यहाँ पर ऑटो एम्पियर ले रहा है। ये पावर की प्रेस करने के बाद ही लेना चाहिए। तो चलिए अभी मल्टीमीटर से बताता हूँ मैं आपको, बैटरी कनेक्टर पर क्या यहाँ पर वैल्यू ले रहा है, क्या GR आ रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए बैटरी कनेक्टर पे हम सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं, तो रेड प्रोब ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। वन साइड तो हमारा ग्राउंड होता है, जिसमें 5 ohms के आसपास, मिली ओम्स के आसपास वैल्यू आ रही है, और इस तरफ देखते हैं यानी 500 के आसपास वैल्यू आ रही है। ये हमारा GR सही है, ये फॉरवर्ड बायस है। अगर हम रिवर्स में चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या 1000 के ऊपर आनी चाहिए, बट वैल्यू स्टेबल होने चाहिए, बट यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब यह होता है कि इस लाइन में लीकेज है। देखिए मैं वापस से प्रोब बदल के बताता हूँ आपको, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बट जैसे मैं रेड प्रोब से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब वैल्यू जो है, जो GR जो है वो स्टेबल नहीं है। ये तो था हमारा VBAT का GR। अब हम VPH भी चेक कर लेते हैं। VPH जो बनता है हमारा इन कैपेसिटर के ऊपर, हमारा 4 वोल्ट बनता है, जो पावर AC के पास में नॉर्मली कैपेसिटर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, एक साइड तो बीप आ रहा है, मतलब ग्राउंड है, 5 ohms के आसपास वैल्यू आ रही है, और दूसरे साइड देख सकते हैं 360, मतलब 360 तो ओके है, लेकिन इसको हम प्रोब पलटा कर ब्लैक प्रोब ग्राउंड करेंगे और रेड प्रोब से चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 के आसपास वैल्यू मिल रही है, मतलब ये लाइन हमारी लीकेज है, VPH में लीकेज है। यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या 1000 के ऊपर आनी चाहिए, बट यहाँ पर 150 के आसपास वैल्यू आ रहा है, मतलब ये लाइन हमारी लीकेज है। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरफ तो ओके है, ब्लैक से जब चेक कर रहा हूँ मैं तो हमारा वैल्यू ओके है, और रेड से जब चेक कर रहा हूँ तो ये लाइन हमारी लीकेज बता रही है, मतलब VPH में लीकेज है। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अभी हमारा जो PCB हम बाहर निकाल लेंगे, हम रोजन मेथड का यूज़ करेंगे, और देखते हैं कहीं पे थोड़ा सा भी हीट होता है तो हम वहाँ पर काम करेंगे। तो PCB हमने बाहर निकाल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी हम इस लाइन में वोल्टेज देकर भी चेक करेंगे कि DC में कुछ 8 एम्पियर ले रहा है क्या। उसके लिए हम पहले रोजन लगा लेते हैं यहाँ पर,
के दूसरे साइड देख सकते हैं पूरा पीसीबी क्लीन है, साफ है, ज़्यादा काम किया हुआ नहीं है। इसी कंडीशन में ये हमारे पास आज हैंडसेट आया। और मॉडल आपको बता दूं, M12 या F12 भी इसे कहते हैं आप, 127। और यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क का भी जो शील्ड है सारा का सारा लगा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ शील्ड निकालने पर कुछ कंपोनेंट मिसिंग है, कैपेसिटर्स यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ क्या उखड़े हुए हैं, यहाँ पे इसे भी मिसप्लेस है, मिस्ड है। और अब हम इसे रोजन लगा कर चेक करेंगे, कहीं पे भी शॉर्टिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पावर के साइड ही हो, क्योंकि यहाँ पर शील्ड कटा हुआ है, इसीलिए हम सबसे पहले पावर एसी को ही चेक कर लेते हैं। हो सकता है किसी अदर टेक्नीशियन ने यहाँ पर हीट मारी हो, पावर को हिला दिया हो। तो VPH जैसे बताइए आपको, यहाँ पे हमारा VPH का जो है हमको लीकेज मिल रहा है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज देकर चेक करेंगे। यहाँ पर ये वाले कैप पे हम चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर DC से कनेक्ट करता हूँ मैं, उधर लोगों तो 4 वोल्ट VPH का हम यहाँ पर कैपेसिटर पे देकर चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं DC में आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे 2 एम्पियर तक कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे हीट हो चुका है। वापस से बताना चाहूँगा मैं कि कौन सा AC है, वो भी देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या हीट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज कम कर लेते हैं, 2 वोल्टेज देकर चेक करता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि 4 में बहुत इमीडिएटली गर्म हो जाएगा। तो वापस से यहाँ पे हमारा VPH, और अभी ग्राउंड जैसे मैं टच करूँगा 2 एम्पियर में उतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। तो 3 वोल्ट कर लेते हैं, मतलब 2 वोल्ट में ज़्यादा कुछ हीटिंग हुई नहीं यहाँ पर, तो हम 3 कर लेते हैं और 3 करके चेक करेंगे, क्योंकि हमको देखना भी है कि कहाँ पे गर्म हो रहा है। वापस से वहीं कैपेसिटर पे लगा लेते हैं प्रोब, तो 3 वोल्ट में भी यहाँ पर हल्का हल्का सा गर्म हो रही है AC, देख सकते हैं यहाँ पे ये AC गर्म हो रही है। तो मैं अभी 4 वोल्ट ही कर लेता हूँ, 4 वोल्ट कर ही चेक करेंगे। AC गर्म हो रही है या कोई कैप गर्म हो रहा है ये चेक करना है आपको, ताकि AC खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर AC खराब होगी तो हम AC ही निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैं वहीं पे कनेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले AC ही हीट हो रही है फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये AC अभी हम खोलेंगे, और AC खोलने के लिए सबसे पहले उसका नोज कट पॉइंट देखेंगे, हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम हो इसमें। इसका नोज कट पॉइंट नीचे है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स डाल देंगे। बाजू में जो कॉइल है इसको सही कर लेते हैं। चलिए ये AC के पैड्स को पहले क्लीन कर लेते हैं, हो सकता है AC शॉर्ट हो चुकी हो। तो AC निकालने के बाद एक बार फिर से जो हमारे सारे लाइन्स हैं उनको चेक कर लेते हैं, एक बार वीबैट पे भी चेक कर लेते हैं।
जो वैल्यू यहाँ पे यहाँ देख पे सकते हैं अभी भी रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएशन में है, मतलब अभी स्टेबल नहीं हुई है यहाँ पर भी रीडिंग हमारी, मतलब प्रॉब्लम और भी है। बीपीएस में भी चेक कर लेते हैं, अभी भी यहाँ पर 150 के आसपास वैल्यू आ रहा है, मतलब अभी भी यहाँ पर लीकेज है। एक साइड तो ओके है बट अदर साइड यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। देख सकते हैं 150 के आसपास अभी भी वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हो तो सकता है यहाँ पे भी उन्होंने हीट करी हो पावर एसी में भी, तो पावर भी अभी उठाएंगे। तो चलिए पहले पावर उठा लेते हैं, फॉर्मूला तो हमारा खुल नहीं रहा है यहाँ पर। पावर ऐसे उठा लेते हैं जब तक। फ्यूजर अच्छा होना चाहिए, एक बार नीचे पीसीबी को क्लीन करेंगे। आईसी हमने निकाल ली है और क्लीन करके जीआर वैल्यू चेक करेंगे। चलिए अभी एक बार कूल टेस्टिंग कर लेते हैं आईसी निकालने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं यही लाइन पे जो कि ऑयल आ रही है, जहाँ पे 135 के आसपास वैल्यू आ रही थी, और अदर साइड 380 यानी ओके हो चुकी है हमारी लाइन। जो हमारा लीकेज था वो हट चुका है पावर एसी निकालने के बाद। और यहाँ पर चलिए पावर रिवॉल्व कर लेते हैं, और जो नीचे छोटा सा एसी हमने निकाला था उसको भी रिवॉल्व कर लेते हैं, और दोनों को लगाते हैं और लगा करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत करिए, और आपको अच्छे से सीखना है हैंड स्किल का काम तो ऑफलाइन आ सकते हैं हैदराबाद, मोबीगेयर सॉल्यूशंस हैदराबाद टीम। आपको एक महीने के अंदर सारा ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक टू एडवांस। और अगर आप ऑनलाइन फॉल्ट फाइंडिंग सीखना चाहते हैं, इस तरह से काम सीखना चाहते हैं, अगर आपको आईसी लगानी निकालनी आती है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। 5 अक्टूबर से हमारा क्लास है नेक्स्ट, जिसमें हम आपको एप्लीकेशन देंगे प्ले स्टोर का। 6 मंथ आपको पूरा वीडियो कोर्स रहेगा, लाइव वीडियो रहेंगे,
और सारी चीज़ें लाइव बताई जाएगी। DSO की ट्रेनिंग होगी, डेड मोबाइल शॉर्टिंग, लीकेज, हैंड स्किल का काम, IC रिबॉलिंग, बहुत कुछ उसमें आपको मिलेगा फ्री। और साथ ही साथ एक साल का सपोर्ट भी मिलेगा, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको साल भर का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और 15,000 रुपये ऑनलाइन कोर्स का फ़ीस है, बिल्कुल कम फीस है। आप घर बैठे कोर्स कर सकते हैं, रात में 2 घंटा देना है और सारा चीज़ सीखना है आपको। स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो छोटा जो IC नीचे से हमने निकाला था 9 बॉल का, ये भी लगा लेते हैं और लगा करके चेक करेंगे। तो उसको पहले रिवॉल्व करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा 9 बॉल का IC होता है ये। एक्सटेंशन से आपको रिवॉल्व करना है और यूनिवर्सल एक्सटेंशन से हम यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं भी इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सटेंशन पहले साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग की, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैचेस बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर फैकल्टी पूरे जो कि सालों से काम कर रहे हैं, 10+ एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको यहाँ पर जो सिखाते हैं। और हार्डवेयर स्कीमेटिक में आपको फिरोज सर का क्लास मिलेगा जो कि वेल एक्सपीरियंस 1000+ स्टूडेंट सीख चुके हैं। तो चलिए, IC लग चुका है, PCB को फोल्डर में फिट कर लेते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हैंडसेट डेड कंडीशन में है, डेड कंडीशन में रिसीव्ड हुआ है और हो सकता है बैटरी में बिल्कुल भी चार्ज ना हो, बैटरी पूरी ज़ीरो हो चुकी हो, ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने चार्जर लगा लिया है और चार्जर लगाते ही देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल, चार्जिंग का लोगो आ चुका है, यानी हमारा जो प्रॉब्लम था पावर IC और वो छोटा सा जो 9 बॉल का IC था, दोनों का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीचे जो छोटा सा IC था वो किस चीज़ का IC था, उसको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं तो हमने यहाँ से निकाल करके वो छोटा सा IC डाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्जिंग लोगों काफ़ी टाइम तक रुका रहेगा और एक बार चार्जिंग स्कीमेटिक पोर्ट में देख लेते हैं, 0.6 अभी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इस बैटरी में बिल्कुल ज़ीरो चार्ज है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है बैटरी के अंदर, इसलिए यहाँ पर 0.6 कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही ये 0% पे आएगा, ये देख सकते हैं 1.6 मिली एम्पियर, यानी 2 एम्पियर 1.5 एम्पियर के आसपास ये ले रहा है। तो अभी मैंने जो लगाया यहाँ पर स्लो चार्ज में लगाया है, USB 3.0 फास्ट चार्ज में अभी लगाते हैं इसको और लगाकर चेक करेंगे। तो केबल अभी देखते हैं, अगर इससे हमारी चार्जिंग जल्दी से लोगो नहीं आता है तो हम केबल चेंज करेंगे और चेंज करके चेक करेंगे। तो बैटरी में पूरा 0 वोल्ट है अभी, तो टाइम लेगा ये 1% तक आने के लिए। अगर 3.2-3.4 रहेगा बैटरी के अंदर तो ये टाइम लेगा आपका चार्ज होने में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने आपको बताया, तो शॉर्टिंग लीकेज में आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, VPH और VBAT का GR चेक करना है, DC से आपको VPH और VBAT में वोल्टेज देकर चेक करना है, कहीं पे हीट होगा कहीं पे हीट नहीं भी होगा। तो अगर यहाँ पे फॉल्ट नहीं मिलता हमको तो VPH लाइन जहाँ जहाँ जाती है वो सारे सेक्शन में हम चेक करते, वहाँ पर रोजन लगाते, मल्टीमीटर से चेक करते, आई स्कैनिंग करते, वाटर डैमेज तो नहीं है, गिरा हुआ पटका हुआ सेट तो नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होता है। और ये एक डेड मोबाइल को कैसे चेक किया जाता है, यह लाइव रिपेयर का आपको सोल्यूशन मैंने दिया है। वीडियो को 2-3 बार देखिए, एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ मैं ये वीडियो, ये आप ये वीडियो हो सकता है मोबाइल हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो 2-4 बार देखिए, अच्छे से देखिए, समझ आएगा आपको। और भी बहुत सारे डेड मोबाइल के लाइव वीडियोस आएंगे आपके एप्लीकेशन में, तो डेड वाले सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम ले रहा है, तो चलिए मैं फास्ट चार्जिंग वाला दूसरा केबल लगा लेता हूँ यहाँ पर, USB फास्ट चार्जर 3.0 मैंने लगा दिया है। तो 2 मिनट वेट करते हैं, 1 मिनट, अभी जैसे ही परसेंटेज का 0% हो जाएगा तो हम उसको ऑन करके चेक करेंगे। आपने देखा बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से काम किया है यहाँ पर। ज़्यादा हीट हो जाती पीछे CPU-MMC में जा सकता है, सेट डेड हो सकता है, तो आपको हिसाब से काम करना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 0% यहाँ पर आ चुका है, यानी बैटरी अब यहाँ से चार्ज स्टार्ट करेगी। अभी जो लेवल है बैटरी का 0% पे आ चुका है, अब ये बैटरी चार्ज होगी और ये फास्ट चार्जिंग में चार्ज होगा क्योंकि हमने अभी फास्ट चार्जर में लगाया है इसको। तो चलिए देखते हैं, एक बार चार्जर निकाल के लगाता हूँ मैं,
तो देख सकते हैं 1% चार्ज हो चुका है, पहले 0% था। तो चलिए अभी ऑन कर लेते हैं इसको, और ऑन करने के लिए पावर की के दोनों जो पिन हैं उनको शॉर्ट करेंगे और ऑन करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा जो फिंगरप्रिंट और पावर की का कनेक्टर है, इसमें नीचे के जो दो पिन होते हैं इसके ऑन ऑफ की सप्लाई होती है। तो इसका बटन तो नहीं है हमारे पास, तो ट्विजर से हम 3 सेकंड के लिए ट्रिगर करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे फीचर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सैमसंग का फर्स्ट लोगो आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने हैंडसेट को रिपेयर किया, और 2 से 3 बार वीडियो देखिए, अच्छे से समझ आएगा पावर रिवॉल्व करना है या छोटी आईसी रिवॉल्व करना है। तो आपको थोड़ा सा हैंड स्किल अपना बनाना होगा, तब कहीं जाकर के आप अच्छे से काम कर सकते हैं। मल्टीमीटर की नॉलेज होनी चाहिए, सर्किट डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि लाइन कौन सी है, कितना वोल्टेज उसमें जाता है, तो आपको समझ आएगा। VPH और VBAT और चार्जिंग सेक्शन का वीडियो भी आ जाएगा कोर्स में, तो उसको 2 से 4 बार देखिए अच्छे से, और फॉलो करिए ऑलवेज स्केमेटिक, बिट मैप फॉलो करिए, डायग्राम फॉलो करिए, हार्डवेयर सॉल्यूशन फॉलो करिए, तो आपको बहुत इजीली सेट्स बन जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चार्जिंग कम है, जैसे ये चार्ज हो जाएगा 1% चार्ज में हम इसको ऑन कर रहे हैं, तो अभी सैमसंग का लोगो आएगा और ऑन भी हो जाएगा सेट पूरी तरीके से। ये देख सकते हैं सेकंड लोगो इसका आ चुका है, और यहाँ पे हमारा हैंडसेट ऑन होते हुए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर व्हाट्सएप के ग्रुप में कमेंट करके बताइए, और अपने पोस्ट ज़रूर डालिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम पूछ रहे हैं सॉल्व होने के बाद भी फ़ोटोज़ के साथ पोस्ट डालिए, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। एप्लीकेशन में काफ़ी सारे वीडियोस हैं, बेसिक वीडियोस सारे जाकर देखिए, एडवांस कोर्स में कुछ वीडियोस हैं वो भी देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हैंडसेट पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, ऑन हो चुका है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में।